अस्सलाम वालेकुम क्लास नर्सरी, टुडे आवर सब्जेक्ट इज इंग्लिश। स्टूडेंट्स, व्हाट इज डे टुडे? टुडे इज 14 सितंबर 2021। दिस इज योर क्लास वर्क। एंड व्हाट इज डे टुडे? टुडे इज ट्यूसडे। फर्स्ट ऑफ ऑल मेंशन द डेट एंड डे एंड रिसाइट 1000 तस्मिया। हाउसु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। स्टूडेंट्स, टुडे आवर टॉपिक इज राइट पार्टनर लेटर्स ए टिल एम। स्टूडेंट्स, आज का हमारा ये लेक्चर बहुत इम्पॉर्टेंट है इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि आज हम फॉर्मेशन को सीखेंगे। आपकी प्रीवियस जो प्ले ग्रुप में राइटिंग फॉर्मेशन थी वो थोड़ी सी डिफरेंट थी। क्लास नर्सरी में आपकी बुक में जो फॉर्मेशन है हम उसको फॉलो करेंगे। अब आपने वन बाय वन हर लेटर को केयरफुली ऑब्जर्व करना है कि मैं कितनी लाइन्स में लिख रही हूँ और मैं कैसे लिख रही हूँ, और आपने भी सेम इसी राइटिंग पैटर्न को फॉलो करना है। ओके स्टूडेंट, ओके नाउ स्टार्ट आवर वर्किंग। फर्स्ट ऑफ ऑल राइट ए। पुट योर पेंसिल ऑन फर्स्ट लाइन एंड मेक स्लांट लाइन लाइक दिस। स्टॉप, थर्ड लाइन पे आके आपने स्टॉप कह देना है। अगेन पुट योर पेंसिल ऑन दिस डॉट एंड मेक एन अदर स्लांट लाइन। स्टॉप, स्लीपिंग लाइन, दिस इज कैपिटल ए। एंड हाउ टू राइट स्मॉल ए? मेक सी ख, ओके, देन स्मॉल स्टैंडिंग लाइन। आपने क्लास नर्सरी इसमें ये वाला ए नहीं राइट करना, ये जो आप टेल के साथ करते हैं ये रोंग है। ओके, आपने इस बुक के पैटर्न के मुताबिक आप जो ए यूज़ करेंगे राइटिंग फॉर्मेशन में वो आपने इस तरह से लिखना है। ओके, देन व्हाट कम्स आफ्टर ए? बी ब। पुट योर पेंसिल ऑन दिस डॉट फर्स्ट लाइन एंड मेक स्टैंडिंग लाइन। बी ब, इसकी बैली बनाएंगे। फर्स्ट वाली थोड़ी स्मॉल बैली होगी और सेकंड वाली थोड़ी बिग बैली बनाएंगे। अब हम स्मॉल बी कैसे राइट करेंगे? स्टैंडिंग लाइन विथ कर्व। ओके, दिस इज बी ब। आपने फोनिक साउंड के साथ रीड करना है। व्हाट कम्स आफ्टर बी ब? सी ख। फर्स्ट थ्री लाइन्स में सी राइट करेंगे और इसी तरह से स्मॉल मिड वाली टू लाइन्स में। ओके क्लास, व्हाट कम्स आफ्टर सी ख? डी ड। पुट योर पेंसिल ऑन दिस डॉट एंड मेक स्टैंडिंग लाइन विद कर्व विद हाफ सर्कल। स्मॉल डी भी आप इसी तरह से राइट करेंगे। पहले आप सी बनाएंगे फिर आप स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ करेंगे। कुछ स्टूडेंट्स डी को इस तरह से राइट करते हैं, इधर से इसकी टेल बनाते हैं। बेटा ये ठीक है, लेकिन हमारी जो बुक की फॉर्मेशन है आपने उसको फॉलो करना है, इसलिए आपने इसको नहीं राइट करना, आपने ये राइट करना है। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट, आपने वन लाइन में फोर लेटर्स राइट करने हैं, ठीक है? नेक्स्ट, व्हाट कम्स आफ्टर डी ड? ई ए। मेक स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन एंड अदर स्लीपिंग लाइन। एंड हाउ टू राइट स्मॉल ई? मेक हाफ सीख, स्मॉल सीख, सॉरी, और आप यहाँ से इसको इस तरह से इसको लाइन ड्रॉ करके क्लोज करेंगे। ई ए। नेक्स्ट वर्ड कम्स ई ए एफ। स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन। How to write small f? Curve with standing line and sleeping line. Partner letters mean कि आपने capital और small को एक साथ write करना है. Next, what comes after f? G k. Make C k up with small sleeping line. This is small g. Okay? क्लास नर्सरी, अब कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो जी को इस तरह से राइट कर रहे हैं। आपकी बुक के पैटर्न के मुताबिक ये फॉर्मेशन ठीक नहीं है, आपने बुक की फॉर्मेशन को फॉलो करना है। ओके, नेक्स्ट व्हाट कम्स आफ्टर जी का? एच ह। स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, अगेन स्टैंडिंग लाइन विथ स्मॉल कर्व। एच ह, एच ह। ओके, व्हाट कम्स आफ्टर एच ह? आई ई।
स्टूडेंट्स इसको बहुत ध्यान से देखें कि आपकी आई की फॉर्मेशन आपकी बुक में सिर्फ स्टैंडिंग लाइन है, और स्मॉल में भी आपने सिर्फ ऐसे स्टैंडिंग स्मॉल स्टैंडिंग लाइन से कंप्लीट करनी है। पहले हमारा राइटिंग पैटर्न था कि हम यहाँ पे स्लीपिंग लाइन ड्रॉ करते थे, और आपकी नोटबुक पे भी वर्किंग में वही गया है, लेकिन ये बेटा रॉन्ग है। आपने इस फॉर्मेशन को फॉलो करना है जो कि आपकी बुक में है। इसी तरह से जे जा में भी आपने ऊपर ये स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ नहीं करनी, क्योंकि आपकी बुक में स्लीपिंग लाइन नहीं दी हुई। इसी तरह से आप स्मॉल जे लिखेंगे ऐसे, ठीक है। नेक्स्ट के का स्टैंडिंग लाइन, स्लांट लाइन स्टैंडिंग लाइन, स्मॉल स्लांट लाइन, एल स्टैंडिंग लाइन एंड स्मॉल एल भी आपने विद स्मॉल लूप कंप्लीट करना है। आपने इन क्लास नर्सरी जब आपने ये लेटर्स लिखने हैं तो साथ आपने इनका फोनिक साउंड भी रिपीट करना है। व्हाट कम्स आफ्टर एल एम, स्टैंडिंग लाइन स्लांट लाइन स्टैंडिंग लाइन स्लांट लाइन विद स्टैंडिंग लाइन, स्मॉल स्टैंडिंग लाइन विद कर्व लाइक दिस। आपने इस तरह से एम की फॉर्मेशन कंप्लीट करनी है। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, स्टैंडिंग लाइन स्लांट लाइन स्टैंडिंग लाइन। क्लास नर्सरी ये आपने एटिल एम की राइटिंग फॉर्मेशन आज सीखी है, आपने इसी पैटर्न को फॉलो करना है, ओके। और इसको आपने अब रीड करना है फोनिक साउंड के साथ, ए ए बी ए अ बी ब सी ख डी ड ई ए एफ जी ग एच ह आई ई जे ज के क एल एम। ये था आज आपका काम बेटा, आपने इसी राइटिंग पैटर्न को फॉलो करना है और नीट नीट अपनी वर्किंग कंप्लीट करनी है। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।